हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईस्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड फंड्स में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि वो पैसा आपका सेफ है, तो क्या सच में ये सही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मान लीजिए फ्लाइट पे सफ़र करते हो, फ्लाइट में सफ़र करते हो, तो जो सबसे पहले आपको आपका सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है वो आपको बताता है कि अगर कुछ भी दुर्घटना होती है फ्लाइट में तो आपको किस तरीके से सेफ होना है। और इससे ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सिर्फ फ्लाइट में नहीं, आप अपनी डेली शेड्यूल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो। चाहे वो आप गाड़ी चलाने से पहले अपनी सीट बेल्ट बांधते हो, चाहे रात को सोने से पहले अपना गैस स्टोव बंद करते हो। तो पर अगर अब बात आती है पैसे की और इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि ये जिनके लिए ये मायने रखता है कि रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ना कि सेफ्टी कैसी है। यानी जहां आपका पैसा निवेश हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में, उसकी सेफ्टी कैसी, ये ध्यान नहीं रखते। तो मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं, लिक्विड फंड्स की बात कर रहा हूं, कि अगर आप भी ये उन इन्वेस्टर्स में से हो जो कि ये आँख बंद करके बैठे हो कि अगर मेरा पैसा लिक्विड फंड्स में लग रहा है, क्योंकि लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर म्यूचुअल फंड्स में सेफ्टी की बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, तो वो लिक्विड फंड्स है, क्योंकि वहाँ जो आपका पैसा निवेश होता है वो लिक्विड फंड्स में आगे फर्दर जो इन्वेस्ट होता है वो आपका कॉरपोरेट डेट पेपर्स में या ट्रेजरी बिल्स में, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 91 डे से कम होता है, तो वहाँ वो पैसा निवेश होता है। और तो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो भी वहाँ पे कम होता है। तो इसलिए लिक्विड फंड्स को हम ये कंसिडर करते हैं कि वो आपका सेविंग अकाउंट का सब्सटीट्यूट है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन लिक्विड फंड्स पे ये कंसिडर किया जाता है कि 6-7% का इंटरेस्ट सेफ रिस्क फ्री आपको आसानी से मिल जाता है। और लिक्विडिटी, और इवन ये भी है कि लिक्विडिटी भी हाई है, यानी जब वो चाहे पैसा मिनटों में वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, विद इन हाफ एन आवर वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन लिक्विड फंड सच में सही है? मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ILNFS के रिसेंटली केस की। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और आप न्यूज़ पढ़ी हो या टीवी पे देख रहे हो, तो ILNFS एक कमेंट्स ILNFS का अभी जस्ट रिसेंटली उनकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज, उनकी कंपनी पे काफ़ी बड़ा कर्जा था, जिसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हुए, और इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स पर आया, और खासतौर से लिक्विड फंड्स में। तो बात अगर करें कि लिक्विड फंड्स को थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, तो लिक्विड फंड्स आपके होते हैं जो कि आपका पैसा निवेश करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 91 डे से कम होता है, जो कि सेफ होते हैं या जिनकी रेटिंग्स ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे लिक्विड फंड्स ने अपना पैसा निवेश करा ILNFS में, और ILNFS में करा, और साथ में ये भी है कि ILNFS को कई रेटिंग एजेंसी ने अच्छी रेटिंग्स दी हुई थी, और इस वजह से लिक्विड फंड्स ने निवेश करा, फंड मैनेजर्स ने अपना पैसा निवेश करा। लेकिन बात स्टार्ट हुई सितंबर 2018 में, 10 सितंबर 2018 में, जब क्रिसिल ने अचानक से ILNFS के जितनी भी सब्सिडरीज और ILNFS सर्विसेज की, उनकी जो रेटिंग्स है वो डाउनग्रेड कर दी, यानी AA+ से BB कर दी, रेटिंग्स को डाउन कर दिया, और उसकी वजह से जो भी उनके सब्सिडरीज थे उनकी भी रेटिंग्स डाउन हुई, और इस वजह से 10 सितंबर 2018 में जितने भी लिक्विड फंड्स थे उनके रिटर्न्स नेगेटिव हो गए। और रीज़न क्या था? क्योंकि जितने भी ILNFS के जितने भी कॉरपोरेट कमर्शियल डिपॉजिट्स थे, जहाँ पे लिक्विड फंड्स का पैसा लगा हुआ था, या कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स का पैसा जो लगा हुआ था उनके कमर्शियल डिपॉजिट्स में, या उनके जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स में ILNFS से रिगार्डिंग जो भी पैसा लगा हुआ था, वो सारे पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी ने राइट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि वो पैसा उनको नहीं मिल रहा था, उस पर इंटरेस्ट, उस प्रिंसिपल पार्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आज मेरे पास 1,00,000 रुपये है, वो 1,00,000 रुपये की ज़रूरत मुझे आज से 6 महीने के बाद है, और 6 महीने के बाद वो पैसा मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। लेकिन जब मैं अपने बैंकर के पास गया, उनसे मैंने सलाह ली, तो उस मेरे बैंकर ने मुझे बोला कि अगर आपको 6 महीने का टेन्योर है तो वो पैसा आपको लिक्विड फंड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो सेविंग अकाउंट में रखोगे तो 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और उस पर आपको टैक्स भी लगता है। और वैसे तो लिक्विड फंड में भी सेम उतना ही टैक्स लगेगा, लेकिन रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे लिक्विड फंड्स में। तो मैंने ये सलाह मानी और वो पैसा मैंने लिक्विड फंड्स में निवेश कर दिया। मान लीजिए ABC फंड में मैंने निवेश कर दिया।
अब उस एबीसी फंड ने, क्योंकि वो पैसा एबीसी फंड अपने पास तो रखता नहीं है, वो पैसा आगे इन्वेस्ट करता है, दूसरी कंपनी में निवेश करता है, कमर्शियल डिपॉजिट्स में निवेश करता है, यानी दूसरी कंपनीज में वो पैसा लगाता है, और कंपनीज को भी इक्विटी मार्केट के अलावा काफ़ी दूसरे सोर्सेज से भी अपना पैसा फंडिंग चाहिए होती है। तो वो उनमें से एक सोर्स है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी कमर्शियल डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाती है, खासतौर से कमर्शियल डिपॉजिट्स में, और उसके वजह में वो उनको कुछ इंटरेस्ट देती है, प्रिंसिपल पार्ट के साथ में इंटरेस्ट भी देती है, और वो इंटरेस्ट पास ऑन होता है इन्वेस्टर्स को लिक्विड फंड्स में। अब मान लीजिए उस एबीसी फंड में मैंने पैसा लगाया, अब उस एबीसी फंड ने 10, मान लीजिए 10 कमर्शियल डिपॉजिट, या मान लीजिए आपको समझने के तौर पे बता रहा हूँ कि 10 फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा निवेश कर दिया। अब मुझे उन्होंने फंड की जो यूनिट प्राइस दी, यानी एनएबी जो दी, वो दी 100 रुपीज़, और 100 100 यूनिट्स उन्होंने 10 म्यूचुअल अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स की ले ली। अब मान लीजिए 3 महीने के बाद उनमें से 4 फिक्स डिपॉजिट ऐसी थी जिनकी रेटिंग्स इमिडिएटली डाउन हो गई, या कुछ उनमें से 4 कंपनी थी जो बैंकक्रप्ट हो गई और वो पैसा नहीं दे पा रही है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एबीसी फंड को मजबूरी में उन 4 कंपनीज को राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पैसा नहीं आ रहा। अब उनका पैसा नहीं आ रहा तो उन 4 कंपनी, क्योंकि वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, बैंकक्रप्ट कर गई, कब पैसा मिलेगा नहीं पता एबीसी फंड को, तो उन कम 4 कंपनीज को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, यानी अपनी बुक से हटा दिया, ऐसे एयूम से, एसेट अंडर मैनेजमेंट से हटा दिया। अब उनके पास बची उसी फंड में 6 कंपनियां, लेकिन मैंने लगाया था 1 लाख रुपए, जिसके मुझे 1000 यूनिट्स मिले थे 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए की एनएबी के हिसाब से, यानी 100 100 100 100 यूनिट्स उसने 10 फिक्स डिपॉजिट्स में लगाए थे, 100 100 यूनिट्स डिवाइड हुए थे 10 फिक्स डिपॉजिट्स में, 4 फिक्स डिपॉजिट डिफॉल्ट कर गए। यानी अब फंड हाउस के पास, यानी एबीसी फंड के पास सिर्फ 600 यूनिट्स बची है, और 600 यूनिट्स की मान लीजिए वैल्यू 100 रुपीज़ है, यानी सिर्फ 60,000 रुपीज़। यानी मैंने तो पैसा निवेश करा था ये सोच के कि मेरा लिक्विड फंड्स में पैसा सेफ रहेगा, लेकिन बदले में मुझे मिला सिर्फ 60,000। और यही सिनेरियो हुआ था 2017, अभी 18 में सितंबर में लिक्विड फंड्स के साथ में, जिसमें अगर आप अभी भी देखोगे तो वो इम्पैक्ट अभी भी जारी है। यानी लिक्विड फंड्स में अगर आप अभी भी रिटर्न्स देखोगे, खासतौर से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में, लिक्विड फंड्स में, तो वहाँ पे रिटर्न जो एक्सपेक्टेशंस थे उन फंड से, क्योंकि कंसिडर ये ज़्यादा कि वो पैसा सेफ रहेगा, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तो वो पैसे रिटर्न्स नेगेटिव में है। मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो प्रिंसिपल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, मैं अच्छे अच्छे फंड्स के नाम बताऊँ वहाँ पे आपको, यूनियन लिक्विड फंड, डीएसपी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, मिरर एसेट इमर्जिंग कैश मैनेजमेंट फंड, टाटा मनी मार्केट फंड, इवन कोटक का फिक्स्ड फ्लोटर फंड्स, कोटक का लो ड्यूरेशन फंड, और पर्टिकुलर डीएसपी के लो ड्यूरेशन फंड्स, प्रिंसिपल लो ड्यूरेशन फंड, और आपका मिरर मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स। अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, तो लास्ट सितंबर से लेके अक्टूबर तक उस फंड ने, यानी लिक्विड फंड ने, -7.1% के रिटर्न दिए, -7.1। अगर लिक्विड फंड्स के एवरेज रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, जो बताया जाता है वो होता है कि आपको 7% से रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, यानी पूरे साल में, जहां एक्सपेक्टेशन ये होती है लिक्विड फंड्स में कि आपको वहां पे 7% के करीब का रिटर्न मिल जाएगा, वहां उसी पर्टिकुलर फंड ने 1 महीने में -7.1% के रिटर्न दिए, -7.1। अगर पूरे साल की बात करें कि पूरे साल का रिटर्न कितना रहा, तो वो रहा -1.85%। और सेम ये केस डीएसपी के साथ में भी है, डीएसपी में भी रिटर्न्स -5% है, सेम ऐसा ही आपका आपका मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, उसमें भी -3% -4, और पूरे साल का रिटर्न 0.58। अगर मुझे इस तरीके के नेगेटिव रिटर्न्स लेने हैं, या 1 2% का रिटर्न चाहिए साल साल में, तो उससे बेटर ये होगा कि वो पैसा मैं अपना सेविंग अकाउंट में रखूं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब, या मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों, ये है कि चाहे मैं, और चाहे आपको YouTube, कोई भी YouTube क्रिएटर, या चाहे आप वेबसाइट पे पढ़ते हो, हमेशा आप ये पढ़ते होंगे कि अगर आपको सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट देखना है तो लिक्विड फंड में अपना पैसा निवेश कीजिए। बिल्कुल कीजिए, काफ़ी सारे लिक्विड फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी निवेश करता हूँ, लेकिन आंख बंद करके बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए। आपको ये भी देखना जरूरी है, जो लिक्विड फंड्स अपना पैसा आगे फर्दर निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग की रेटिंग्स क्या है, और इस केस में किसकी गलती थी। इस केस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी गलती थी, क्योंकि इन्होंने बिना देखे, बिना रिसर्च के, उस कंपनी के डेट स्ट्रक्चर को बिना देखे
उस कंपनी को अच्छी रेटिंग्स दी पहले और बाद में डाउनग्रेड कर दिया, और उसमें गलती फंड मैनेजर्स की भी थी क्योंकि फंड मैनेजर ने बिना रिसर्च करे आग बंद करके सिर्फ रेटिंग्स को देख के उसमें पैसा निवेश कर दिया। अब उसमें उनका इंटरनली क्या फ़ायदा है वी डोंट नो, बट इसमें नुकसान हम और आप लोगों का हुआ है। तो दोस्तों सिर्फ मैं या कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि अगर सेविंग अकाउंट में आपको पैसा रख रहे हो तो वो पैसा लिक्विड फंड्स में रखिए, वहाँ पे रिटर्न्स फिक्स्ड है या 6.5% 7% का आसानी से मिल जाएगा, वो पैसा इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐप्स भी आपको प्रमोट करते हैं लिक्विड फंड्स, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी आपको प्रमोट करती है, लेकिन आँख बंद करके आपको निवेश नहीं करना। अब क्योंकि लिक्विड फंड का दो ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। आपको सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है कि मेरे उस पर्टिकुलर फंड की सेफ्टी क्या है और मेरी लिक्विडिटी क्या है, यानी वो पैसा जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं विड्रॉ कर पाता हूँ या नहीं। और ये सिनेरियो सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अगर 2015 की भी बात करें तो एमटेक ऑटो और जिंदल पावर स्टील ने भी सेम, उनके कमर्शियल डिपॉजिट्स ने भी डिफॉल्ट किया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के लिक्विड फंड्स के रिडम्पशन को रोक दिया गया था और उनके एनएवी एक दिन में 7-8% की डाउन हो चुकी थी। एक दिन में 7-8% यानी एक दिन में 7-8% का नेगेटिव रिटर्न्स था, 2015 की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ 2015 की बात नहीं करते, 2017 में भी सेम ये हुआ, जब 2017 में टोरस म्यूचुअल फंड, टोरस लिक्विड फंड ने बलरपुर इंडस्ट्रीज, जो कि एक बलरपुर इंडस्ट्रीज़ के कमर्शियल डिपॉजिट्स में पैसा लगाया, लिक्विड फंड्स की बात कर रहा हूँ, और उस जैसे ही रेटिंग्स डाउन हुई और जैसे ही बलरपुर इंडस्ट्रीज़ का डिफॉल्ट हुआ तो एक ही दिन में उस फंड की एनएवी 7% से डाउन हो गई। यानी इसमें नुकसान हमारा और आपका हो रहा है। फंड मैनेजर्स तो यहाँ पे बिना देखे बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा निवेश करते हैं, उनको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, पैसा आना चाहिए, और वो पैसा आगे फर्दर आपको ये बता के लगाया जाता है कि उनकी रेटिंग सच्ची है ना। यहाँ पे हम बिलीव कर सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग किस हिसाब से रेटिंग्स दे रही है, किस कमर्शियल डिपॉजिट्स को, और फंड मैनेजर किस हिसाब से रिसर्च करके वो पैसा निवेश कर रहे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल सतर्क होके, चाहे मैं आपको बताऊं या चाहे दूसरा यूट्यूब क्रिएटर आपको बताए, लेकिन अगर लिक्विड फंड्स में निवेश कर रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लिक्विड फंड्स में हम काफ़ी बड़ा अमाउंट भी काफ़ी बार लगाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि 6-7 महीने के बाद 8 महीने के बाद वो पैसा मैं विड्रॉ कर लूँगा। काफ़ी बार मैंने ऐसे देखे इन्वेस्टर्स की जिन्होंने अपना घर बनाना है और कुछ 7-8 महीने के लिए वो सेविंग अकाउंट बना रख के लिक्विड फंड्स में रखते हैं, लेकिन मान लीजिए वो पैसा अगर आपको उस प्रिंसिपल पार्ट की जरूरत पड़ती है और वो प्रिंसिपल पार्ट 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद 7% 8% उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कम है, तो वो 7-8% की, मैं तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये की बात करी थी, मैंने 1,00,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तो कितना नुकसान होगा आप लोगों को। तो आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि लिक्विड फंड्स में भी रिस्क होता है। अगर लिक्विड फंड्स में आप निवेश कर रहे हो तो वहाँ पे भी रिस्क है, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लिक्विड फंड्स में जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है उनकी रेटिंग्स क्या है वो, और पर्टिकुलरली उन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अब इस समय अगर आपको 5 ऐसे कौन से बेस्ट लिक्विड फंड्स होंगे जहां आप निवेश कर सकते हो, आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था, थोड़ा सतर्क रहिए अगर लिक्विड फंड्स में निवेश करते हो, पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स को ज़रूर देखिए, आँख बंद करके बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए, चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई दूसरा यूट्यूब क्रिएटर बोले चाहे आपका एडवाइज़र बैंकर कोई भी आपको बोले, लेकिन आपका पैसा है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई बिलीव आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी विनती है आपसे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लिक्विड फंड्स के बारे में, 5 बेस्ट लिक्विड फंड्स जो आप अभी निवेश कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है जैसा मैंने बताया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।